परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार के ही मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल जी, लोकप्रिय सांसद स्वामी सच्चिदानंद हरि साक्षी जी महाराज, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती स्वपन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री अवधेश कटियार जी, माननीय विधायक श्री आशुतोष शुक्ला जी, अनिल सिंह जी, श्री ब्रजेश रावत जी, श्रीकांत कटियार जी, श्री बंबाराव दिवाकर जी, श्री पंकज गुप्ता जी, विधान परिषद सदस्य श्री रामचंद्र प्रधान जी, विधान परिषद सदस्य श्री राज बहादुर सिंह चंदेल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित और विशेष रूप से जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए प्रयास किया, अध्यक्ष राणा देवी माधव सिंह समिति श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, क्षेत्रीय कल्याण समिति के अध्यक्ष श्री आयकरण सिंह जी, सिंह जी टोडिया खेड़ा के प्रधान श्रीमती शीला सिंह जी, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष श्री अरुण सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आज मेरा सौभाग्य है भारत की सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार यह पितृपक्ष है, अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का पक्ष, और मुझे इस अवसर पर पेशवारा
से अधिक मेडल भारत के खिलाड़ियों ने जीते हैं। ये भारत के नए भारत के नए सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है। G20 का समिट हुआ है अभी हाल ही में, दुनिया के 40 देशों के राष्ट्राध्यक्ष ने भारत के सामर्थ्य और भारत की शक्ति को देखा है। देश के अंदर 60 स्थानों पर 200 से अधिक सम्मेलन, अलग अलग पक्षों को, कोई युवाओं को, कोई महिलाओं को, कोई गरीब कल्याण को लेकर के, कोई टेक्नोलॉजी को लेकर के, कोई इनोवेशन को लेकर के अलग अलग सम्मेलन देश के अलग अलग, कोई टूरिज्म को लेकर के अलग अलग सम्मेलन देश के अलग अलग स्थानों पर संपन्न हुए। ये सभी कार्यक्रम इस बात के साक्षी है कि वास्तव में भारत ने एक शानदार यात्रा की, और इस शानदार यात्रा इस बात का भी द्योतक है, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान जहां भारत दुनिया के सामने गर्व के साथ अपने विकास की शानदार यात्रा को लेकर आगे बढ़ रहा है, वहीं भारत से अलग होकर के कम भरने वाला पाकिस्तान आज दो जूट रोटी के लिए तरस रहा है। आप देख रहे होंगे 1 किलो गेहूं के लिए वहां कैसे मारामारी होती है, ये पाकिस्तान की त्रासदी है, लेकिन भारत विकास के लिए नई ऊंचाइयों को
छोड़ा की घटना।